हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बोंबिल फ्राई, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बोंबिल है और इसमें आपको साइज़ अलग अलग साइज़ में मिल जाएगी। तो ये मेरी जो है बोंबिल मीडियम साइज़ की, इससे काफ़ी बड़ी साइज़ में भी आती है बोंबिल। तो यहाँ पर जो है हमारी मीडियम साइज़ की, चलिए इसे कट कर लेते हैं, इसकी सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस में जो गले के पास से क्रॉस में काटी, आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसकी जो है पूछ काट लेंगे और जो साइड में पर है उसे भी काट लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं काट रही हूँ। और ये बहुत नाजुक मच्छी रहती है, चाहे तो आप जैसे कि पर जो साइड के वो हाथ से भी खींच के निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे छुरी से निकाल रही हूँ। तो आप हाथ से भी पर निकाल सकते हैं। हाँ, मुंडी और आपको पूछ जो है छुरी से ही काट के निकालना पड़ेगा, और आपको मुंडी को क्रॉस ही काटना है तो आपका अच्छे से कटेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन्स आपका वेस्ट नहीं होगा अगर आप मुंडी क्रॉस में काटेंगे तो, जैसे ज़्यादा आपका फिश जो है बोंबिल वो वेस्ट नहीं होगा। और आपको इस तरीके से साफ़ कर लेना है, फिर से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो सारी जो बोंबिल है सबको इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी बोंबिल को हमने इसी तरह अच्छे से कट कर लिया और अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे अच्छे से। तो चलिए धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बाउल में जो है फ़िश को डाल दिया अच्छे से धो के। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाले आधा टीस्पून। फिर इसके बाद हम डाले लाल मिर्ची पाउडर एक टीस्पून, अगर आप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे तो दो टीस्पून डाले। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, तो यहाँ पर हम एक नींबू डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक नींबू का रस डाल दिया, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे जो हम बोंबिल को जब मिक्स करने के बाद हमें 15 मिनट मैरिनेट करना है, ठीक है। फिर 15 मिनट बाद हम गेहूं का आटा लेंगे, और चाहे तो आप रवा भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप रवा और बेसन को मिक्स करके भी फ्राई कर सकते हैं, जिससे आपका और क्रिस्पी बनेगा रवे से। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आटा ले रही हूँ तो हमारा क्रिस्पी बनेगा, पर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप रवा लीजिएगा। तो आप रवा और आटे को मिक्स कर लीजिएगा, और इस तरीके से आप सेम जिस तरीके से मैं इसे अच्छे से आटे में कोट करी उसी तरह आपको कोट करना है, पर आपको रवे में कोट करना है। फिर तो यहाँ पे मैं आटे में कोट कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपको कोट कर लेना है और फिर एक पैन में फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं और आपको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे कि आपको इसमें स्लो गैस पे नहीं पकाना है, नहीं तो आपकी मच्छी चिपक जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही अच्छी बनती है। और मेरे एक और भी चैनल है जिसका नाम है ड्रेस डिज़ाइनर खैर, तो प्लीज़ उसको भी